हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मेरे पास एक वॉशिंग मशीन का टाइमर है। ये टाइमर नॉर्मल टाइमर की तरह नहीं है, इसके अंदर एक मोटर लगी हुई है जो कि इस टाइमर को चलाने का काम करती है। इसके अंदर की टेक्नोलॉजी आपको दिखाने वाला हूँ। वैसे तो ये बहुत पुराने वॉशिंग मशीन में लगने वाला टाइमर है, वर्लपूल का है, लेकिन उस टाइम पे ये जो टाइमर है बड़ा एडवांस टाइप का है। ये डेड कंडीशन में है, इसको रिपेयर करने का जो है वो तरीका आपको बताऊंगा। अगर रिपेयर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो जरूर आपको दिखाऊंगा। कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, कुछ ना कुछ जानने को मिलेगा, कुछ ना कुछ देखने को आपको जरूर मिलेगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना और कमेंट करके ये जरूर बताना कि आप मुझे इंडिया के किस स्टेट से देख रहे हैं। क्या आपको वॉशिंग मशीन के टाइमर की वायरिंग का वीडियो चाहिए, वो भी आपको कमेंट करके बताना होगा। साथ में वैसे टाइमर की वीडियो ऑलरेडी एक बना चुका हूँ, तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, उसको जाके भी आप देख सकते हैं। इसका टाइमर का वीडियो भी जल्दी बना दूंगा। चलिए आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको बता दूं, इसमें बहुत सारी वायर लगी है। अच्छा, ये टाइमर दो काम के लिए यहाँ पर बना हुआ है। एक तो इसमें आपको वॉश और स्पिन के सिलेक्शन के लिए बना हुआ है, यानी कि जो वर्लपूल में लगता है उसमें एक ही बटन से वॉश और स्पिन को कंट्रोल करते हैं, तो उस हिसाब से टाइमर बना हुआ है और एक ही स्विच से सारा काम हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, इसमें दो तीन चीजें यहाँ पर दी गई हैं। पहले तो आपको मैं इस तरीके से दिखाता हूँ। इस स्क्रू को खोल के आप इस टाइमर के यहाँ पर इसके जो स्विच है उसको चेक कर सकते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, इसमें कार्बन वगैरह लग जाता है, तो यहाँ से आप इसको क्लियर कर सकते हैं, इस तरीके से स्क्रैच कर सकते हैं और उसको सही तरीके से आप इसको, अगर पिन टेढ़ी वगैरह हुई है तो उसको सही तरीके से बैठा सकते हैं। एक तो ये दिया है बिना टाइमर खोले हुए। काफी बार यहीं से दिक्कत आती है, वैसे काफी बार नहीं बल्कि मैं कहूंगा कि 80% केस में यहीं से ज्यादातर दिक्कत आती है, तो यहीं से आप क्लीन कर सकते हैं आपके। वैसे ये टाइमर थोड़ा सा कॉस्टली होता है, हमारे लोकेशन जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर थोड़ा सा कॉस्टली था, तो यहाँ पर वैसे तो मैंने दूसरा बदल दिया है, लेकिन मैंने कहा चलो इसको फेंकने से पहले आपको जरा इसकी टेक्नोलॉजी समझाऊँ, हो सकता है किसी का तो फायदा हो। तो यहाँ से स्क्रैच करके इसको सही कर सकते हैं अगर इसमें थोड़ा सा कार्बन वगैरह है तो। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, इसमें ये सेक्शन भी खुल जाता है। कभी कभी क्या होता है ना, ये वायर वगैरह यहाँ से छूट जाती हैं, तो उनको भी आप यहाँ से सोल्डरिंग कर सकते हैं। तो दो सेक्शन इसके हैं जो कि यहाँ से आप खोल के देख सकते हैं। ये तो बेसिक सा हो गया। अब इसके अंदर हम चलते हैं और देखते हैं कि क्या है। इसमें पांच स्क्रू और हैं, तो उनको फटाफट से मैं खोल देता हूँ और आपको दिखाता हूँ। सारे स्क्रू खुल चुके हैं, अब इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए आपको ध्यान से इसको इन दोनों को प्रेस करके रखना है और इसके जो कवर है इसको धीरे से ऊपर उठाना है। अच्छा, यहाँ पर स्प्रिंग भी रहती है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। और खोलते समय कोई गियर गरारी जो भी इसके अंदर है वो डिसलोकेट ना हो, इस बात का ध्यान भी रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इसको प्रेस करके खोल दिया हूँ। ये यहाँ पर इस तरीके से लग जाएगा। ये देखिए, खांच बनी हुई है। तो इसके अंदर कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आपको देखने के लिए मिलती है। अब यहाँ पर जो है ना, कभी कभी इसके अंदर जो ये सिंक्रोनस मोटर लगी है ये भी बहुत बार खराब हो जाती है। सिंक्रोनस मोटर भी आपको दिखा देता हूँ, पहले मैं ऐसे समझा देता हूँ। यहाँ पर आपको मैंने बता दिया कि किस तरीके से आप है ना उनको स्क्रैच करके सही कर सकते हैं। तो अब ये जो पार्ट है, ये आपका जो वॉश वाला सेक्शन रहता है उसको उल्टा और सीधा घुमाने, मोटर को उल्टा और सीधा घुमाने के लिए इसका इस सेक्शन का यूज होता है। अब ये जो सिंक्रोनस मोटर है वो जब चलती है, देखिए इसको कुछ इस तरीके से लगाया गया है कि जब ये चलती है तो ये जो बीच की पत्ती है एक बार इसके साथ अटैच होती है, एक बार इसके साथ अटैच होती है, तो जो है एक तरफ आपका लेफ्ट घूमेगा, कुछ देर बाद ये घूमते हुए इसके साथ अटैच होती है तो राइट घूमेगा, यानी कि लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट ये चलने का काम करती है। देखो मोटर को कुछ सेकंड या कुछ देर तक ऐसे चलाएगी और कुछ देर तक ऐसे चलाएगी, वो इस वाले सेक्शन का काम होता है, यानी कि तीन वायर के जो कनेक्शन होते हैं वो इसी के साथ होते हैं। ये दोनों आपके कैपेसिटर के साथ लगते हैं, ये कॉमन का होता है। ठीक है, तो बीच का कॉमन का होता है। अब वहीं पर ये जो तीन आपको दिख रहे हैं, ये लास्ट वाले की वायरिंग तो ये कट करी हुई है, बाकी दो आपको दिख रहे हैं ना, ये दोनों इसको ऑन कराने का काम करते हैं। अब इस पार्ट में क्या होता है कि यहाँ पर ये देखिए, इसमें खराबी आ चुकी है जो कि आपस में अटैच नहीं हो पा रहा है। अगर मैं इसको इस तरीके से घुमाता हूँ तो ये देखिए इतना फिर भी इसमें गैप बच रहा है। अगर ये दोनों आपस में इस तरीके से अटैच होंगे तो ये तब ये काम करता है। देखिए अब यहाँ पे इतना गैप क्यों, क्योंकि ये नीचे जो प्लास्टिक है वो गला हुआ है, जो ये टाइमर के घुमाने पर, ये टाइमर मेन टाइमर है और ये सिलेक्ट वाला है। ठीक है, ये हाई मीडियम जो फास्ट होता ना इसको घुमाने वाला ये है। अब दिक्कत क्या है वहां पर, इसमें हल्का सा नीचे अगर हम इस तरीके से लगाए तो तब जाके टच करेगा और गल के देखिए हटा भी है, हालांकि रिपेयर तो नहीं हो सकता, जुगाड़ में इसमें करूंगा नहीं, लेकिन यहाँ पर हल्का फुल्का अगर जलाना हो तो इसके बीच में अगर कुछ गैप बन रहा हो तो हल्का सा पत्तियों को आप है ना एडजस्ट कर सकते हैं ताकि गैप पूरा हो जाए।
वैसे तो होगा नहीं क्योंकि गला हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जैसे हम सेट करते हैं, ये दोनों आपस में टच होंगे, जैसे ऑन करेंगे ये दोनों आपस में टच होंगे, तब जाके मोटर आपकी चलेगी। और ये सिंक्रोनस मोटर इसको सिलेक्ट करने का काम करती है, और वही इसके साथ में अटैच भी है जो कि इसको टाइमिंग देने का काम करती है, ठीक है। वो उसके दो काम होते हैं। अब देखिए इसको तो मैंने बता दिया आपको यहाँ पर और यहाँ पर का, बाकी वायरिंग का आपको अगली वीडियो में समझा दूंगा। नॉर्मली आपको बता दिया वायरिंग का, ठीक है। तो ये जो तीन होते हैं आपके बीच का कॉमन होता है, यहाँ पर लेफ्ट राइट घुमाने के लिए कैपेसिटर के साथ में इसके कनेक्शन होते हैं, बाकी ये ऑन ऑफ का मेन यहाँ पर दिया गया है। अच्छा इसको मैं पैक कर लेता हूँ, पैक करने के बाद एक चीज़ आपको और आपको मैं समझा देता हूँ उसमें। चलिए तो इसे मैंने पैक कर लिया, अब आपको दिखाता हूँ पीछे। पीछे इसकी मेन सिंक्रोनस मोटर है। सिंक्रोनस मोटर को चालू करने के लिए मेन पावर की जरूरत पड़ती है, तो पावर किस वायर में दी जाती है? एक वायर तो ये ब्लैक वाली सिंक्रोनस मोटर की पावर की है। पहले मैं इसको वो कर देता हूँ, खोल देता हूँ, ठीक है। ये देखिए ये मोटर है, इस मोटर को पावर देने के लिए एक ब्लैक वायर में पावर दी जाती है, और दूसरी वायर इसके साथ में कनेक्ट होती है। ये देखिए इस वायर के साथ में नीचे से ही कनेक्ट है, यहाँ पर करी गई है सीपिन के साथ में। तो सिंक्रोनस मोटर अगर आपकी ख़राब कंडीशन में है तो आपके टाइमर काम करना बंद कर देगा। सिंक्रोनस को चेक करने के लिए डायरेक्ट आप इसमें 220 वोल्ट दे सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी, पहले मैं इसमें ना वायरिंग कर लेता हूँ सिंक्रोनस में। तो ये देखिए अगर मोटर सही होगी तो आपका ये टाइमर बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा, अगर मोटर ही खराब निकलेगी तो फिर या तो आपको दूसरी मोटर डालनी पड़ेगी या टाइमर ही चेंज करना पड़ेगा। और देखिए मोटर सही कंडीशन में है, शायद आपको यहाँ पर चलते हुए यहाँ पर आवाज आ रही होगी। और जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे, ये तो ये भी काम करना शुरू कर देगा, इसके अंदर से आवाज सुन सकते हैं आप। ये देखो यहाँ पर देखना क्या है, यहाँ पर देख लो आप क्लियरली, देखो ये अपने आप काम करना स्टार्ट कर देता है। ये देखो एक बार यहाँ पर टच होगा, दूसरी बार यहाँ पर टच होगा, कुछ इस तरीके से जब सिंक्रोनस मोटर चलती है तो ऑटोमेटिक काम करता है टाइमर। ये देखो कुछ देर ये इधर पे टच हो रहा है, कुछ देर बाद इधर पे टच हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट राइट, बाकी इससे में भी ये टाइमिंग का वो होगा, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से ये देखो ऑटोमेटिक काम करेगा ये। तो ऐसे ये सिंक्रोनस मोटर इसको है ना ऑटोमेटिक इस बटन का काम ये कर देती है। चलिए मैं इसको निकाल देता हूँ। तो आपने देख लिया होगा और वायरिंग वगैरह थोड़ा बहुत समझा तो दी, लेकिन अगली वीडियो में एक क्लियर वायरिंग का ही बना दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, हो सकता है आप में से बहुत लोगों का जो टाइमर नॉर्मल अगर ख़राब होगा तो आप इनकी पिन को क्लीन करके ठीक कर सकते हैं। और मोटर अगर ख़राब है तो माफ़ करना, मोटर तो भाई आपको नई डालनी ही पड़ेगी, मोटर को रिपेयर करने का कोई जुगाड़ नहीं है। बाकी नॉर्मल चीज़ें आपको बता दी हैं, अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अच्छी लगे तो कोई बात नहीं, दोस्तों को शेयर कर लेना, किसी न किसी की तो हेल्प मिलनी ही चाहिए इस वीडियो से। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।